पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में चौथे रोज भी बारिश का सिलसिला जारी। फैसलाबाद, ओकारा, खानेवाल, आरिफवाला में वक्फे वक्फे से अबरे करम, लाहौर और गिरदोनवा में बूंदाबांदी, मौसम दिल फरेब हो गया। इलेक्शन 2018 इंतखाबी मैदान सज गए, उम्मीदवारों के हथ में फहरिस्त आज ही जारी की जाएगी, इंतखाबी निशान भी आज दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग अफसरान के दफातर आज और कल खुले रहेंगे। जाने कब इस आजाद से जान छूटेगी, टिकटों की तकसीम पर कप्तान परेशान। इमरान खान ने एहतजाजी मुजाहिदीन से तंग आकर हाथ खड़े कर दिए, अहलिया ने नाराज खवातीन को मना लिया। खान की जिदोजहद के ऐसे वाकयात सुनाए कि खवातीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। NA-53 की इंतखाबी मुहिम, कप्तान का आज वर्कर्स कन्वेंशन का ऐलान, मकामी क्यादत को इंतजाम मुकम्मल करने की हदायत। तकरीब सपहर 3 बजे शुरू होगी, कप्तान आइंदा की हुकूमत अमली का ऐलान भी करेंगे। NA-13 से इलेक्शन लड़ने वाली खातून उम्मीदवार अमरीन सवाती से PTI का टिकट वापस, आजम सवाती की अमरीन सवाती को धमकियों की ऑडियो कॉल लीक हो गई, खातून उम्मीदवार का इमरान खान से नोटिस लेने का मुतालबा। उम्मीदवारों के लिए हलकों में वोट मांगना मुश्किल हो गया, कराची में इंतखाबी मुहिम के दौरान आरिफ अलवी के खिलाफ गोल आरिफ गो के नारे, वोटर्स ने आरिफ अलवी को घेर लिया। खुर्शी शाह और नासिर शाह से भी वोटर्स ने 5 साल कारकर्दगी का हिसाब मांग लिया। कराची में MQM के लिए नई मुश्किल, कामरान किशोरी के घर पर नाराज रहनुमाओं का इजलास, इंतखाबी टिकट से महरूम नजरियाती रहनुमाओं और कारकुनान से राबता, MQM के नामजद उम्मीदवारों के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने का फैसला। निगरान हुकूमत ने आवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी कर ली, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 12 रुपए फी लीटर इजाफे की सिफारिश, पेट्रोल 6 रुपए 25 पैसे, हाई स्पीड डीजल 9 रुपए 88 पैसे और मिट्टी का तेल 6 रुपए महंगा होने का इम्कान। पंजाब हुकूमत ने वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज में सियासी शख्सियात को ओहदों से हटा दिया, मियां अमजद लतीफ चेयरमैन कॉरपोरेशन शेखपुरा को हटाने का नोटिफिकेशन जारी, चौधरी नईम अहमद चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी ननकाना साहब और कसूर से आजाज अहमद भी ओहदे से फारिग। यही अपने 5 साल दौर में सादिकाबाद को पीने का साफ पानी भी मुहैया न कर सकी, 70 करोड़ की लागत का जामे मंसूबा मुकम्मल न हो सका, जमीनी पानी कड़वा होने की वजह से शहरी परेशान। फलस्तीनियों पर इसराइली मजालिम का तूफान न थम सका, गजा की सरहद पर एहतजाज के दौरान सिहूनी फोर्सेस की फायरिंग और शेलिंग, 2 फलस्तीनी शहीद, 415 जख्मी, सैकड़ों फलस्तीनियों का खून बहने के बावजूद सिक्योरिटी काउंसिल खामोश तमाशाई बन गए। मैनचेस्टर में पाकिस्तानी शख्स की कबाब शॉप ट्रक की टक्कर से तबाह कर दी गई, मास्क पहने मुलजिम ने एक और चिकन शॉप को भी नुकसान पहुंचाया, सड़क पर खड़े अफराद मुलजिमान की हौसला अफजाई करते रहे। और अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में नन्हे मुन्ने बच्चों के दरमियान दिलचस्प रेस का इनेकार, रेस में 30 बच्चों ने हिस्सा लिया, वालिदैन ने एथलीट्स को ट्रैक पर उतारा, उनका खूब हौसला बढ़ाया। अस्सलामुअलैकुम, तहलका न्यूज़ के साथ मैं हूं नुसरत खलील, हेडलाइंस आपने जानी। अगर आप मजीद खबरों से बाखबर रहना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट tahlka.tv।